बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर सदन में प्रश्न पूछने के लिए एक बिजनेसमैन से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद ने इसकी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से पत्र लिखकर की। इसके बाद ओम बिरला ने शिकायत को सदन की आचार समिति के पास भेज दिया, जिस पर पैनल कार्रवाई में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। आपको बता दें कि लोकसभा की ये कमेटी जांच करेगी और जांच के आधार पर ही एक्शन लिया जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि इस समिति में कौन कौन है। दरअसल इस समिति के सदस्यों की नियुक्ति एक साल के लिए होती है और मौजूदा वक्त में इसके अध्यक्ष बीजेपी नेता विनोद कुमार सोनकर हैं। इनके सदस्यों की अगर बात की जाए तो इसमें बीजेपी के विष्णुदत्त शर्मा, सुमेधानंद सरस्वती, अपराजिता सारंगी, डॉक्टर राजदीप रॉय, सुनीता दुग्गल और सुभाष भामरे के अलावा कांग्रेस के वी वैथिलिंगम, एन उत्तम कुमार रेड्डी, बाला शोवरी और साथ ही परिणीत कौर, शिवसेना के हेमंत गोडसे, जेडीयू के गिरिधारी यादव, सीपीआईएम के पीआर नटराजन और बीएसपी के दानिश अली है। संसद की वेबसाइट के मुताबिक दो दशक पहले अस्तित्व में आने वाली समिति की आखिरी बैठक 27 जुलाई 2021 को हुई थी। समिति ने अब तक कई शिकायतें सुनी लेकिन ये बेहद हल्के मामले ही रहे हैं। अधिक गंभीर शिकायतें या तो विशेषाधिकार समिति या फिर विशेष रूप से सदन की गठित समिति ही सुनती है। हालांकि साल 2005 में पी के बंसल समिति की रिपोर्ट के आधार पर कैश फॉर क्वेरी घोटाले में 11 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया था, जिसमें 10 लोकसभा से और एक राज्यसभा से सदस्य शामिल थे। हालांकि पहले वाले मसले में काफी सबूत थे लेकिन अब मोइया मित्रा के मामले में चुनौती पश्चिम बंगाल के सांसद की ओर से पूछे गए सवालों को पैसे के लेन देन से जोड़ने की होगी। अब आपको इस समिति के इतिहास के बारे में भी बता देते हैं। दिल्ली में साल 1996 में पीठासीन अधिकारियों के एक सम्मेलन के दौरान पहली बार संसद के दोनों सदनों के लिए एथिक्स पैनल के आइडिया पर विचार किया गया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति केआर नारायणन ने 4 मार्च 1997 को उच्च सदन की आचार समिति का गठन किया। दो महीने बाद मई के महीने में सदस्यों के मोरल और एथिक आचरण की जांच करने और कदाचार के मामलों की जांच करने के लिए इसका आधिकारिक उद्घाटन किया गया। विशेषाधिकार समिति पर लागू नियम नैतिकता पैनल पर भी लागू होते हैं। हालांकि लोकसभा आचार समिति की उत्पत्ति का किस्सा अलग है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के एक अध्ययन समूह ने विधायकों के आचरण और नैतिकता से संबंधित प्रथाओं को देखने के लिए साल 1997 में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका का दौरा किया। इसने एक आचार समिति के गठन के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा भी तैयार किया लेकिन रिपोर्ट को पटल पर रखे जाने से पहले ही लोकसभा भंग कर दी गई। इसे 12वीं लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन इससे पहले के विशेषाधिकार समिति के इस पर कोई विचार कर पाती, लोकसभा फिर से भंग कर दी गई। 13वीं लोकसभा के दौरान विशेषाधिकार समिति ने आखिरकार एक आचार समिति के गठन की सिफारिश की। दिवंगत अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी ने साल 2000 में एक तदर्थ आचार समिति का गठन किया और ये साल 2015 में सदन का स्थायी हिस्सा बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।